हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो ये नींबू की वीडियो है, नींबू के पौधे की, जो मैंने इसे पोट में लगाया है। जो पोट 20-21 इंच का है, ये देखिए, और ये इतना बड़ा हो चुका है, कम से कम ये 3 फुट का है। जो ये इसी में ही हुआ है, गमले में ही इतना बड़ा हुआ है। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो ये कम से कम 6-7 इंच का था, और इसको एक नींबू लगा हुआ था और 2-3 पत्ते थे जब मैं इसे लेकर आई थी। तो इसमें विटामिन सी भरपूर होता है। मैं चाहती हूँ कि हर घर में नींबू का पौधा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे यहाँ आप गार्डन में क्यों नहीं लगाया, पोट में क्यों लगाया है। तो इसकी ये वजह थी कि मैं पोट में इसलिए लगाया क्योंकि जो गार्डन के पौधे थे वो सारे बड़े हो चुके थे। तो ये छोटा पौधा होने के कारण कि इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है नींबू के पौधे को सर्दियों में, तो इसीलिए मैंने इसे पोट में लगाया है कि जो नीचे इसको पूरी धूप नहीं मिल पाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे गमले में लगाया है। इसे 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए सर्दी में, और गर्मी में इसे थोड़ी शेडो चाहिए क्योंकि इसके पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो सर्दियों में इतनी धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ नींबू जो हैं वो, ये देखो, बड़े हो चुके हैं, ये देखो, और कुछ देखिए ये छोटे छोटे लगे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये कम से कम 1.5-2 साल का हो चुका है। ये देखिए, ये छोटा सा यहाँ भी लगा हुआ है नींबू, और आगे ये देखिए छोटे छोटे नए बन रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छे अच्छे नींबू लग रहे हैं। तो आप भी ये कर चाहते हैं पोट में लगाना, तो ख़ास ख्याल रखिए कि उसे पोट को आप धूप में रखें, और धूप में इस तरह से रखें कि इसको 8 से 10 घंटे सर्दियों में धूप आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पौधा खड़ा हो जाएगा, उसको फूल फल नहीं आएंगे फिर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ फूल भी पड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ फूल, ये छोटे छोटे नींबू भी पड़े हुए हैं, उधर बड़े हो चुके हैं, यहाँ छोटे पड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा बढ़ रहा है। तो इसी वजह कारण मैंने पोट में लगाया था। और ख़ास वजह ये है इसकी कि जेकर आप पोट में लगा रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि इसको पोट में प्रॉपर खुराक नहीं जाती। तो पोट में हमेशा जब आप कोई भी फलदार पौधा लगाते हैं तो उसे 2-3 महीने के बाद जो ऊपर की जो सतह होती है ना, उसकी मिट्टी को आप निकाल दीजिए, और नई मिट्टी में थोड़ी सी गोबर खाद मिला लीजिए जेकर आप मिलाना चाहते हैं, नहीं तो आप जो भी खादें यूज़ करते हैं उनको मिट्टी में मिलाकर इसे फिर से भर दीजिए। यही इसकी खास वजह है कि आपका पौधा जो है वो चलता रहेगा, नहीं तो आपका पौधा जो है वो पोट में ज़्यादा देर बढ़ नहीं पाएगा। तो ये देखिए, मैंने जब वहाँ से लेकर आई थी तो ये इतना सा था, इतना सा, तो मैंने इसकी स्टेम को यहाँ से काट दिया था क्योंकि वो सूखी हुई थी। तो वहाँ से ये नई जो है वो शाखाएं निकल आई। तो ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है इस वक्त, बहुत बढ़िया है। इसको 8 से 10 नींबू पड़े हैं, ऊपर छोटी छोटी जो ये देख पा रहे होंगे, जो भी नींबू बनने की ही वो होती है, फल गिर जाता है तो तब नींबू बनना शुरू हो जाता है। कुछ नींबू मैंने आपको दिखाए भी है जो छोटे छोटे बीच में रेडी भी हो गए हैं, इन गांठों से जो तैयार होते हैं। ये देखिए, ये छोटे से 2 नींबू लगे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया मतलब चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही पोट में लगाना चाहते हैं नींबू के पौधे को, तो आप इस तरह से इसकी देखभाल कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी छाया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दी में इसे 8 से 10 घंटे धूप चाहिए ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जेकर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो मेरी नई वीडियो है वो आपको मिल सके। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो ये पोट वाला जो है यही है नींबू का पौधा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।